तुअर दाल में आवक कम होने से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं उपभोक्ताओं की खरीदारी निकलने और मिलों में बेस्ट तुअर का स्टॉक कम होने के साथ ही मंडियों में आवक कमजोर रहने से भाव में एक तरफा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी नई तुअर की छुटपुट आवक शुरू हो गई है। अभी नई तुअर की जैसी क्वालिटी आनी चाहिए वैसी नहीं है, जिसके चलते मिले अच्छी क्वालिटी का माल ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा तेजी को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगले 15 से 20 दिनों में अच्छी क्वालिटी और सूखे मालों की आवक बढ़ने पर तुअर की तेजी कुछ समय के लिए थम सकती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि भविष्य लंबी मंदी का नहीं है। तुअर महाराष्ट्र सफेद 7200 से 7400, कर्नाटक तुअर 7400 से 7600, जबकि निमाड़ी तुअर 6000 से 7100 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। वहीं साथ में लगनसार का दौर 14 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए चने से बने उत्पादों की डिमांड जोर पकड़ सकती है। इसे लेकर चने की मांग फिलहाल मंडियों में बढ़ने लगी है, जबकि आवक कम होने से चना कांटा भी मजबूत दिखाई दे रहा है। चना कांटा नीचे में 5100 रुपए तो ऊपर में 5150 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। वहीं मसूर, उड़द और मूंग में कारोबार फिलहाल सामान्य देखने को मिल रहा है। भाव में कोई विशेष मंदी या तेजी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि दालों में मिला जुला रुझान बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।